क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने यहाँ पे गेट बंद रखा हुआ है, क्या आपकी डिमांड से क्या कहना है? हमारी डिमांड सर ये है कि पिछले 7-8 महीनों से प्रोवोस्ट जो हमारे हॉस्टल्स के हैं ललित सेन जी, इन्होंने क्या करके रखा है कि बच्चों को खज्जल करना, यहाँ पे अपने पास बुला के खज्जल करने की इन्होंने, पता नहीं इनको मजा आता है कि आदत है क्या नहीं, हमें इस चीज का कुछ पता नहीं है। पिछले 7 महीनों से बच्चे हॉस्टल्स के लिए रो रहे हैं, कोई बनी बसोली, कोई यहाँ से डूडू बसंतगढ़ डोडा किश्तवाड़ रजौरी के बच्चे आते हैं, दूर दराज के बच्चे, वो बेचारे उनकी इतनी यूनिवर्सिटी की फीस ने जितनी वो बाहर दे के पैसे दे के रह रहे हैं। अब ये है कि इनको हमने बोला है कि यूनिवर्सिटी डीसी साहब ने SRO के तहत जो जितनी भी हॉस्टल ने रिजर्वेशन का बोला हुआ है, प्रोवोस्ट हॉस्टल ने उसका अभी तक 7-8 महीनों से मतलब बच्चों को खज्जल करके रखा और कुछ इससे ज्यादा मैं क्या। आज ये टाइम आ चुका है कि बच्चे यूनिवर्सिटी गेट बंद कर रहे हैं, बट अभी तक इस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा है और बच्चे धूप में सड़ रहे हैं। पिछले 8 महीने से हम नाम क्या हर दूसरे तीसरे दिन प्रोवोस्ट ऑफिस के बाहर जाते हैं, हमें झूठे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि आपका आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है, कमेटी को दी है, मेरा नाम दूसरे नंबर था वेटिंग लिस्ट में, मैं अभी तक वेट ही करता रह रहा हूँ। मेरा एक ही, हमें कोई यहाँ लीडरी करने का शौक नहीं है, यहाँ पर हम आज पहली बार आए, अगर किसी अपलोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी मुद्दे के लिए, क्योंकि हम सर 8 से 10 हजार सर हम बाहर खर्चा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं खर्चा, यहाँ 3 हजार में जो काम बनता है वो हम 10 से 12 हजार बार PG में दे रहे हैं सर। मैं खुद 250 किलोमीटर सर डोडा के गाँव में रहता हूँ सर, मैं सर यहाँ पर आने के लिए सर मेरा खर्चा हर एक हफ्ता होती तो मैं सर चला जाता हूँ सर गाँव, क्यों सर यहाँ बैठने के लिए, चलो हम लड़के कहीं किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, मगर सर उन लड़कियों का क्या सर, जो नाम क्या, जो माँ बाप ने सर भेजा हुआ है सर क्यों पढ़ने के लिए, हमारी लड़की हॉस्टल में रहेगी सर, इन्होंने सर 14-15 वैकेंसी से ज्यादा सर लॉ डिपार्टमेंट को नहीं दिए सर, हमारी सर मुख्य मांग इस NBC से और नाम क्या प्रोवोस्ट से, प्लीज हमारी सर जो मांगे हैं सर वो सर पूरी करो और हमारी सर जल्द से जल्द, हमें कोई शौक नहीं सर यहाँ धूप में खड़े सर, आज हमारा बर्थ होके भी सर हम यहाँ पर खड़े, सुबह से सर पानी नहीं पिया, क्यों सर इस पीछे, रोज घर से पूछते हैं कि नाम क्या आप यहाँ पर आइए कब तक आपको मिलेगा, उस हम रोज उनको घर वालों को भी हम झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि नाम क्या मिलने वाला है सर अभी विश्वविद्यालय के हालात शोक का नोटिस निकाला जा रहा है विद्यार्थियों के खिलाफ, अपनी आवाज भी विद्यार्थी बुलंद नहीं कर सकता, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है वहाँ पर विद्यार्थियों को बोलने से भी रोका जा रहा है, उनके संविधानों से उनको वंचित किया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, यहाँ पे शोषण किया जा रहा है विद्यार्थियों का, जहाँ पे उनकी आवाज को बुलंद नहीं किया। माननीय वाइस चांसलर को भी मेरी केंद्र शासित अपील, ये जो हमारे माननीय जी साहब से ऐसी अपील रहेगी कि वाइस चांसलर और यहाँ का जो प्रोवोस्ट है इसने तानाशाही बनाई रखी है जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ पे दूर दराज के क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ विद्यार्थियों का ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।